जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 300 के अंदर अंदर ही टीम ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया है। स्मैश अब आपके ख्याल में दारू साहब ने कल कहा था कि 300 के अंदर अंदर कर लेंगे तो जीत जाएंगे। 202 पे पाकिस्तान ने जी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, 6 विकेट लिए बिलाल आसिफ ने और 4 लिए मोहम्मद अब्बास ने। बात यह है कि हमारा जो कप्तान है ना वो क्या कर रहा है टीम में, ना उससे स्कोर होता है ना उससे कप्तानी होती है, कीपिंग उससे नहीं होती है, सीधा स्टंप छोड़ दिया है। सरफराज को भी उसमें डाले, उमर अकमल को भी, अहमद शहजाद को भी मायूस किया है। सर आपका क्या ख्याल है आज किस पोजीशन पर कि आपके ख्याल में जीत जाएगा 345? अगर 300 स्कोर भी कर ले तो पाकिस्तान आराम से जीत सकता, लेकिन वैसे भी लीड जो है वो 325 से 325 की हो चुकी है। तो अगर कल टी तक खेले तो अगर 450 तक खेल जाए तो आप अगले उसकी बॉलिंग पे क्या कहेंगे? मुझे बड़ा दुख होता है उसको खिला रहे हैं, मुझे बहुत दुख है उस बंदे। आप क्या कहेंगे? बस क्या बताएं, हम यारी दोस्त ही आ रहे हैं, जिस मामला की समझ नहीं आती, जिस बंदे को सिलेक्ट करना उसको सिलेक्ट नहीं करता। उसको फिर दुबई में सिलेक्टर्स को करना चाहिए ना। सिलेक्टर्स को क्या, सिलेक्टर को जो घर बुला के दावते खिलाएगा वही सिलेक्ट होएगा ना। हो सकता है पार्टियां होंगी, बच्ची उसकी सालगिरह जी आ जाए, सारे क्रिकेटर आ जाए, वो काफी कोशिश कर रहे चलता रहे। वो तो खुद नहीं ओपनिंग करना चाहता और नए बॉल से तो खुद डरता है। अच्छा वैसे ये समझ नहीं, हफीज दुबई में देव सिंह के खिलाफ खेले आउट, उधर खेले आउट, इधर खेले आउट, यार वो क्या आपका क्या ख्याल है कि अब पाकिस्तानी टीम में वहां पे ऐसी कोई जगह है कि नहीं? नेक्स्ट इनिंग में देखते हैं क्या करता है। पास बड़ा अच्छा बॉलर है, वो काउंटिंग में भी 10 मैचों में 50 गोल कर गया है। हर जगह वो अच्छी बॉलर है। पहले सेशन में पाकिस्तान गई और दूसरे सेशन में आउट हो गया तो 400 से कम उनको टारगेट मिलेगा। जी क्या ख्याल है, मिलेगा कुछ के नहीं? चांस है कि कल मैच कल पाकिस्तान 400 पर पहुंच जाएगा। नहीं मैच खत्म हो जाएगा कल के नहीं होगा, कल मैच 90% चांस खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान दो सेशन बड़ी मुश्किल से खेले, मुझे मुश्किल है बड़ा यकीन है कि ये दो सेशन बड़ी मुश्किल से खेलेगा और उनकी बारी आई तो वो भी 1.5-2 सेशन खेल के खत्म हो जाएगा। चले देखते हैं इंशाल्लाह कल। आज का तजिया जी इस पे स्टॉप करते हैं, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट डे कभी हम आपको जरूर मिल जाए। बहुत शुक्रिया।